एक राजा से संत पहुंचे कुटिया की जगह लेने। किसान की झोपड़ी में रहते थे, खेत के किनारे बड़े आनंद से रह रहे थे, कोई कमी ही नहीं थी, और लेकिन लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। लेकिन लोभ लहर की नदी बहते, डूबोगे बिनु पानी। एक दिन मन में लोभ पैदा हो गया, अपनी निजी कुटिया का तो आनंद ही दूसरा है, तो किसान की है। 10 बिस्वा मिल जाता तो बढ़िया कुटिया बन जाती, बगीचा लग जाती, और राजा दान दिया करता है। गए तो राजा ने पूछा, कहिए महाराज आपको क्या चाहिए? बोले कुटीर की जगह। तो बोलिए कितनी चाहिए? तो निर्णय न कर पावे कितनी चाहिए। आया तो था 10 बिस्वा लेने, और यहाँ वो फलाने महात्मा 2 बीघा लेके जा रहा, मैं भी 2 बीघा मांग लूं क्या? तो उसको महात्मा जी को आगे पीछे होते देखा। राजा ने कहा आप चलना आरंभ करें, अभी शाम तक चलें, जितनी दूर चलेंगे उतनी जगह आपकी। तो जब तक राजा देख रहा था तब तक तो आस्ते आस्ते चले, फिर लगे दौड़ लगाने, पीछे 2 घुड़सवार लगा दिया राजा ने। अब वो दौड़ते स्पीड पकड़ लिया, मैराथन के रेसर की तरह है। बज गया 2। बोले अरे महाराज लौट चलो, नहीं तो लौट भी नहीं पाओगे। बोले जो साल वृक्ष से इसके वन को जरा घेर लेने दो, कुटिया जब बनेगी तो बड़े बड़े साल वृक्ष से ये बड़ेरी धरनी डालने के लिए काम देंगे। लगे जंगल घेरने। तो बोले अरे अभी तो लौट चलो। बोले आगे जो झील दिखाई दे रहा है इसको भी जरा घेर लेने दो, जब फार्मों में खेती होगी तो ये सिंचाई में काम देगा। लगाओ झील की परिक्रमा करने। बोले ले अब पहुंच भी नहीं पाओगे, और जब जब प्यास लगे तो पानी पिला दिया करे वो घुड़सवार। फिर चले किले की ओर, जब राजा उस गेट इतनी दूर रह गए, चक्कर खा के बाबा जी गिर पड़े, तब उस पानी का छींटा दिया तो थोड़ा होश आया, चले फिर गिर पड़े। राजा ने कहा पकड़ के लाओ। तो पकड़ के पानी का छींटा देते, पकड़ के घसीट के लाए राजा तक। ले तो आए लेकिन जहां छोड़ा तो फिर गिर गए और मर गए। राजा ने कहा ओ सूर्य उदय से अस्त तक दौड़ लगाते हैं, और जगह चाहिए 4.5 हाथ, वहीं गड्ढा खोद के उनकी समाधि बनवा दी 4.5 हाथ जगह में। उदय से अस्त तक मनुष्य नापता है जगह, जन्म से मृत्यु पर्यंत नापता है जगह, और जगह चाहिए 3.5 हाथ। तो लोभ लहर की नदी बहत है, बुड़ोगे बिनु पानी, ओ जियरा तुम जई हो हम जानी।